ग्वालियर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां परिजनों ने 24 घंटे पहले जिस बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया, पत्नी ने चूड़ियां फोड़ी और मां का सिंदूर मिटाया, अचानक वो जिंदा लौट आया। ये देखकर परिवार वाले हैरत में पड़ गए। परिवार वाले उसकी अस्थियां चुनने के लिए शमशान घाट जाने वाले थे। पुलिस भी रजिस्टर में मर्ग कायम कर जांच में जुट गई थी। अब उसके जिंदा होने की बात पता चलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और अफसरों ने दोबारा जांच शुरू की है। अब ये सवाल उठता है कि जिस शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया गया वो कौन था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ सब। दो दिन पहले महाराज बाड़ा स्थित लेडीज पार्क में युवक की लाश मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, शिनाख्त न होने के कारण फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर लाश को मर्चुरी में रखवा दिया। इसके बाद इंद्रगंज के नौगजा रोड के रहने वाले रोहित कुशवाहा के परिजन कोतवाली पहुंचे। उन्होंने शव की शिनाख्त बेटे रोहित के रूप में की। असल में रोहित पिछले 10 दिनों से लापता था। उसकी गुमशुदगी भी उन्होंने थाने में दर्ज करवा दी थी और इसी बीच पड़ोसी ने रोहित से मिलती जुलती लाश मिलने की सूचना दी। सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट को भी दिखाया गया। परिवार मॉर्चरी पहुंचा, जहां देखा कि व्यक्ति की जो लाश रखी थी उसमें एक हाथ और एक पैर से वो विकलांग था। वहीं रोहित भी एक हाथ और एक पैर से विकलांग है। चूंकि चेहरा काफी बिगड़ चुका था, लेकिन कद काठी हूबहू रोहित जैसा ही था और इसी के आधार पर परिजन ने उसकी पहचान रोहित के रूप में कर दी। गुरुवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुक्रवार सुबह रोहित के परिजन मुक्तिधाम में उसके फूल उठाने के लिए निकले ही थे। अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे तो पता चला कि जिसका फूल उठाने मुक्तिधाम जा रहे हैं वो तो जीवित है। रोहित अपनी ससुराल पहुंच गया। पता चलते ही परिजन ससुराल पहुंचे, जहां रोहित को जीवित देखकर सब हैरत में पड़ गए। वहीं रोहित कुशवाहा ने बताया कि वो गिरवाई में बेपुरा माता के मंदिर पर दर्शन करने गया था। रात ज्यादा हो गई थी इसलिए वो वहीं रुक गया। जब रिश्तेदारों ने पूरी घटना बताई तो सुनकर चौंक गया। इस मामले में SSP ग्वालियर अमित सांगी का कहना है कि बॉडी परिजन को सौंपने से पहले उसके फिंगरप्रिंट ले लिए गए थे। इसके आधार पर आसानी से शिनाख्त की जा सकेगी, जबकि उसके कपड़े और फोटो पुलिस के पास मौजूद है। कहाँ गए थे आप? मैं बेपुरा माता पे। अच्छा, तो वहाँ लेट हो गए थे, मैं गिरवाई में बैठा था। तो ये आपको किसी और समझ के जला दिया, पता पड़ा? हाँ, मालूम पड़ गई, तभी तो तुम लोग आए हो। अच्छा, तो पहचान नहीं कर पाए घर वाले? कैसे आप पहचान नहीं कर पाए? मालूम नहीं, सकल ही उसको देख के मैं भी धोखा खा गया। अच्छा। सकल ही उसकी ऐसी लग रही है। अच्छा। जैसी मैं ससुराल वालों ने उनको भी टकरा गया, तो वो सुबह आ रहे थे फूल उठाने, तो उनने मेरे को आगे तुरंत ही फोन लगाया। ऐसी ऐसी बात है तो मैंने बुलवा, मेरी बात करवा, बात करवाई, फिर मैंने इन लोगों को रोका फूल उठाने से, फिर मैंने तुरंत ही थाने फोन करवाया। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।